अब भाई इरशाद इंक्रीमेंट की पार्टी दे रहा है अब तो तू। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा स्लाइड। और सर की बोतल अभी भी रखी है। इंक्रीमेंट का नहीं है ये पार्टी। फिर भाई सर खा रहा उसकी है। लो जी अपने मोमोस आ चुके हैं फ्राई होके पनीर आड़े। और खाना खा के मैं जैसे कि आ चुका हूँ अभिषेक की दुकान। ना अभिषेक है ना राहुल भाई है अभी आसपास, पता नहीं कहाँ गए हुए, उनका वेट कर रहा हूँ। और हाफ एन आवर होगी मेरे को कह रहे आ रहा हूँ 10 बंदे करते करते हाफ एन आवर निकाल दिए उन्होंने। अब देखते हैं कब आते हैं कब नहीं आते। वेट कर रहा हूँ अभिषेक की दुकान पे मैं बैठ के। चुके हैं भाई अपने आधा पौना घंटा वेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली राहुल भाई आ गए। और यहाँ पर ये गधा भी आ चुका है। तो हमारी सारी बातचीत हो चुकी है तो कल सुबह निकलेंगे 10:30 बजे। हाँ पानी डल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल देसी। ये टैलेंट है भाई, प्योर टैलेंट है प्योर। और सारी पैकिंग हो चुकी है। इनफ है यार, ठीक है, इतना बैग भर गया, थोड़ा इतना सामान लग गया और थोड़ा इतना रख लिया और हो गया अपना बैग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका भाई सिट और आप देख रहे हैं स्वेक्चर असिट ब्लॉग्स। तो गाइस हो चुका हूँ अभी मैं रेडी, बट बहुत ज़्यादा लेट हो क्योंकि हाफ एन आवर मैं लेट उठा। मम्मी मेरे को उठाती रहेगी पर मैं उठा नहीं, क्या करूँ यार, नींद पूरी नहीं हो पा रही। दो तीन बजे तक सोता हूँ और सुबह 8 बजे उठना होता है। तो कई बार क्या होता है, उठ तो जाता हूँ बट इधर से उधर करवट लेता हूँ जैसे मैंने कई बार ही बताया। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ नाश्ता और शगुन सो रही है अभी क्योंकि उसकी 4-5 दिन की छुट्टी पड़ी। अब पता नहीं किस लिए छुट्टी पड़ी है ये मुझे नहीं पता, बट छुट्टी पड़ गया तो वो करेगी आज मज़े। अभी तो वो फिलहाल सो रही है तो फिलहाल मैं निकलूँगा नाश्ता करके ऑफिस के लिए। तो चलो मिलते हैं। अब भाई इरशाद इंक्रीमेंट की पार्टी दे रहा है अब तो तू। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा स्लाइड। और सर की बोतल अभी भी रखी है। इंक्रीमेंट का नहीं है ये पार्टी। फिर भाई सर खा रहा उसकी है। अच्छा सर तो आ रहा है अब। बाकी पार्टी तो कल देगा। अब ये तो नाश्ता करवा रहा है अभी। कल देगा इंक्रीमेंट। चलो कोई नहीं, अपन एंजॉय करते हैं साथ में। अपन पार्क है ये रहा अपना DLF। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैं आ चुका हूँ अपने DLF के बाहर, ऑफिस पूरा अपना। यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ इरशाद खड़ा है। तो भाई क्या करना है पहले तो ये बता दे भाई। अभी तो मोमोज खाना है। मोमोज खाने आए हैं, वो भी कौन से वाले, स्टीम वगैरह नहीं खाएंगे क्योंकि स्टीम तो खाते रहते हैं। सोच रहे हैं कि अपने फ्राई करवा के खा लिया जाए। तो दिखा देता हूँ, अपने फ्राई हो रहे हैं मोमोज, हो रहे अपने मोमोज फ्राई हो रहे हैं पनीर वाले। लो जी अपने मोमोज आ चुके हैं फ्राई होके पनीर आड़े। बाकी अपनी चटनी वगैरह वहाँ डाल दी है, रेड सॉस ये भी आ गई है। अब उठाते हैं अपन लुफ्त मोमोज का, फ्राइड मोमोज का। गाइस जैसे कि मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और मैं खाऊंगा खाना। और खाना खाने के बाद भाई लोगों के पास मिलने जाना है क्योंकि कल सुबह सुबह हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो अभी मेरे यहाँ चुके हैं दाल चावल क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाऊंगा, मन नहीं कर रहा मेरा खाना खाने का, खा से कुछ खा लिया है जैसे कि। तो मैं खाना खा के निकलूँगा भाइयों के पास और मुझे आने के बाद पैकिंग भी करनी है। मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, जैसे कि जैकेट भी निकालूंगा, जैकेट इसलिए निकालूंगा क्योंकि सफ़र है। तो यार कभी भी अगर नाइट का करना पड़े या सुबह सुबह करना पड़े तो इस टाइम ठंड स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पता ही अक्टूबर का महीना तो चेंज हो गया है। तो अपन को रिस्क नहीं लेना हेल्थ के लिए। तो फिलहाल मैं खा लेता हूँ खाना और उसके बाद जाऊँगा भाइयों के पास। तो फिर चलो मिलते हैं। और खाना खा के मैं जैसे कि आ चुका हूँ अभिषेक की दुकान। ना अभिषेक है ना राहुल भाई है अभी आसपास, पता नहीं कहाँ गए हुए, उनका वेट कर रहा हूँ। और हाफ एन आवर होगी मेरे को कह रहे आ रहा हूँ 10 बंदे करते करते हाफ एन आवर निकाल दिए उन्होंने। अब देखते हैं कब आते हैं कब नहीं आते। वेट कर रहा हूँ अभिषेक की दुकान पर मैं बैठ के, देखते हैं यार कब तक आते हैं भाई लोग अपने। यहाँ चुके हैं भाई अपने आधा पौना घंटा वेट करने के बाद यहाँ पर फाइनली राहुल भाई आ गए। और यहाँ पर ये गधा भी आ चुका है। वेट करते करते इनका हो गया, भाई कह रहे 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, करते करते 45 मिनट निकाल दिया। तो हमारी सारी बातचीत हो चुकी है तो कल सुबह निकलेंगे 10:30 बजे हम बाय रोड। पानी डल रहा है
इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल देसी ये और टैलेंट है भाई, प्योर टैलेंट है, प्योर मत छोड़े मत छोड़े। ऐसा टैलेंट नहीं देखा होगा भाई आप लोगों ने, पूरा बाहर चला गया पानी एकदम से गिरने के बाद। कोई नहीं तो फिर अपन कल चलते हैं सुबह। और जैसे कि मैं आ चुका हूँ घर पे और भाई लोगों से बात कर ली है मैंने, कल निकलना है सुबह हमारे को 10 से 11 बजे समथिंग समथिंग सुबह हम निकल जाएं, क्योंकि थोड़ी यार बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि हम टू व्हीलर में जाएंगे, टू व्हीलर में इतना कंफर्ट नहीं होता। तो दो स्कूटी है अपने पास, दो स्कूटी में दो जने हो जाएंगे, क्योंकि स्कूटी पे इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि एक स्कूटी तो हमारे को वहाँ पर छोड़नी है क्योंकि भाई लोगों का घर है। तो एक कभी कभी जाते हैं तो यार टू व्हीलर होनी भी चाहिए, तो इसलिए लेके जा रहे हैं। और एक स्कूटी पे वापस आएगी तो हम दो लोग तो बस से आ जाएंगे और दो लोग वापस स्कूटी से आ जाएंगे। तो बड़ा ही मैं एक्साइटेड हूँ कि सुबह के लिए कि हम कैसे निकलेंगे और फन हो जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ लाइफ में मैं ट्रैवल, वो भी हाईवे पे टू व्हीलर से। फोर व्हीलर से तो बहुत बार ही जा चुका हूँ, तो अभी मैं हो गया हूँ लेट, ठीक है। तो अभी मुझे करनी है पैकिंग शेकिंग, कई सारे यार कपड़े भी निकालने, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक दो गर्म कपड़े भी लेके चलूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है यार, कभी भी ठंड पड़ सकती है। और गाँव का एरिया भी है वैसे वो, तो जा रहा हूँ अभी मैं पैकिंग करने, दिखाता हूँ क्या क्या लेके जा रहा हूँ क्या क्या नहीं लेके जा रहा। तो जल्दी से करता हूँ मैं पैकिंग और दिखाता हूँ क्या लेके जा रहा हूँ क्या नहीं। और आ गया हूँ मैं जैसे कि निकालने, तो पहले मेरी वाली अलमेरा थी, अब ये चेंज कर दिया मैंने कि मेरे और शगुन के दोनों कपड़े रखने थे, मेरी सेपरेट ही थी पहले, और अभी ये मेरी हो चुका है अलमेरा, दूसरी वाली बड़ी है तो इसमें मेरे ये सारे के सारे कपड़े पड़े हैं, मेरे और शगुन के थोड़े नीचे पड़ रहे हैं। तो देख लेता हूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना, फटाफट देख लेते हैं चलो फिर। जैसे कि मैं ले आया हूँ अभी अपने कपड़े और अभी करने जा रहा हूँ पैकिंग। तो जैसे ये अपने अंडरगारमेंट्स और ये कपड़े, परफ्यूम भी इम्पोर्टेंट है, फेस वॉश ब्रश, तो अपना ये एयरबड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग करने में तो ही काम आएगा, बाकी चार्जर तो अपनी जान है, और बेल्ट भी लेनी है क्योंकि फॉर्मल कपड़े भी लिए, एंड ग्लव्स है वो साइड वाले वो है, और बाकी क्योंकि सर्दी है वो आ रही है और थोड़ा प्रोटेक्शन रखनी है, तो इसलिए अपने यहाँ पर ये अपनी इसमें पड़े हैं। तो अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे, अब ऊपर चढ़ गया यार सारे के सारे, इसमें से देखूँगा कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं हैं। तो मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर, अब ये देखो लटान बोलते जैसे वो ही है निकाल लिया। मैं सोच रहा जैकेट क्या लेके जाऊँ, एक ले चलता हूँ ऐसी थोड़ी सी ये, और एक ये शर्ट भी मिल गई मेरी, तो ये दोनों डाल लेता हूँ मैं इसके साथ में। और अब मैं करने जा रहा हूँ पैकिंग, तो नॉर्मल सा ही बैग लेके जा रहा हूँ और अपना लैपटॉप वाला कैरी कर ले, तो इतना सामान है नहीं है मेरे पास, ये रहा जो भी सामान है। और सारी पैकिंग हो चुकी है, इनफ है यार, ठीक है इतना बैग भर गया, थोड़ा इतना सामान लग गया और थोड़ा इतना रख लिया और हो गया अपना बैग। तो सुबह ये रहा अपना लोअर, और अभी तो कहाँ गिर रहा है यार, देखो अभी से गिरने की लगी हुई है, और साथ में ये पहन के जाऊँगा, तो दो चीज़ हो गई है। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल सुबह के लिए, और सब कल सुबह हम निकलेंगे सुबह 10 या 11 बजे कल हम निकल लेंगे यहाँ से, चारों भाई दो स्कूटी है और दोनों से हम जाएंगे जयपुर। तो पहले हम जाएंगे जैसे कि मेरी कुलदेवी माता जी हमारी बाकी माता, तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद सीधा हम जाएंगे जम्मू, और उसके बाद बताऊँगा नहीं यार सब बता दूँगा तो अभी रिवील हो जाएगा, तो मज़ा खिड़खिड़ा हो जाएगा, तो मैं सीधा अब दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि मुझे कल निकलना है आपको बताया, तो मैं 4-5 दिन तक तो तेल लगवा नहीं पाऊँगा सर में, तो अभी मम्मी लगा रही है सर पे तेल, तो तेल मज़ा आ रहा है, हाय चंपे कराने में बात ही अलग होती है मम्मी से, मज़ा आ रहा है। ऑयल लगाना चाहिए सर में, क्योंकि आजकल के लड़के मुझे पता है शो ऑफ के चक्कर में ऑयल नहीं लगाते, और धीरे 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 उनके बाल उड़ जाते, फिर बोलते ये क्या हो गया और गंजे हो गए। और अब मैंने ले लिया चैन की सांस, क्योंकि सारी पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, प्रेस मैंने करी नहीं क्योंकि राहुल भाई कह रहे थे अपने घर पर प्रेस है, तो मैंने क्या यार प्रेस करना, और प्रेस करने के बाद भी यार जब ट्रैवल करते हैं तो सारी प्रेस ख़राब ही हो जाती है, लास्ट में फिर से प्रेस ही करना पड़ता है। तो फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर,
और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है स्वैग छोरा सेठ का। गुड बाय एंड टेक केयर।